जी बिल्कुल, सिंघम के बाद दिस इज माय सेकंड मूवी और मेरे किरदार का नाम है प्रिया चौहान। ये बहुत ही भोली भाली इनोसेंट सी लड़की है, बहुत रिलेटेबल है। ऑफकोर्स ये जहन में रख के मेरा कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है कि ये 80s की स्टोरी है, सो माय कॉस्ट्यूम्स, माय लुक, सब कुछ वैसे ही है। ये एक स्कूल टीचर है, सो आई एम श्योर कि ऑडियंस में सब लड़कियाँ इस लड़की से डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि एक बार आप अपना मन पक्का कर लो तो बस कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं इन्हें बता रही थी अपने फ्रेंड की एक स्टोरी, जो अभी अभी 20 जनवरी पे हुए मैराथन में हिस्सा ले रहे थे और वो लोग, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की और फिर भी 21 किलोमीटर्स की रेस कंप्लीट की सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस के बाद। सो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है ऐसे करना। और वो लोग थक टूट के मर गए थे, ऑलमोस्ट मरे जैसे हो गए थे, लेकिन फिर भी यू नो दिल पक्का करके उन्होंने ऐसे दिल पक्का, तो इसका कहने का मतलब ये है कि असली पावर दिल में होती है, चाहे उन्होंने प्रैक्टिस की ना की हो, उनके पाँव में इतनी शक्ति हो ना हो, लेकिन उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया था कि 21 किलोमीटर मैंने दौड़ना है और वो 21 किलोमीटर दौड़ के आज वो जिंदा।